नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सोशल मीडिया पर जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, उन्हें देखकर आपको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, दुनिया त्रस्त है, उसके बाद जो लापरवाही अभी भी दिखाई दे रही है वो क्या कहती है, ये आज आपको मैं दिखाऊंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ज्यादा बातचीत नहीं, सबसे पहले ये पहली तस्वीर, क्या आप देख सकते हैं कि क्वारंटाइन जिन लोगों को किया गया है, कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल में रखा गया है, उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जहां पर अस्पताल है वहां पर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कतई नहीं रखा जाए, अपने अपने बेड्स को छोड़कर अभी भी नमाज अदा की जा रही है। कोई दो राय नहीं, नमाज अदा होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल में नहीं, अस्पताल के बेड से उठकर नहीं, हो तो अपने घर में अकेले। लेकिन जिस तरीके से तमाम नियम कायदे कानून को ताक पर रखा जा रहा है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, कल हमने देखा कि तबलीग जमात में जो हो रहा था वहां पर किस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए थे, छिप कर वहां रह रहे थे, उसके बाद फिर से ऐसी तस्वीरें, और ये अब उन लोगों को पर भी सवाल उठा रही है जो लोग ऐसा नहीं करते, यानी इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने घरों में नमाज पढ़ते होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते होंगे, लेकिन अब सब एक घटकरे में आ गए हैं। ये देख सकते हैं सबके चेहरे पर मास्क है, कहीं नहीं है, और कहीं इस तरीके से अपना अपना बेड छोड़ दिया है, और अब इस तरीके से एक ही जगह इकट्ठे होकर वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। यानी आप 10 दिन 15 दिन के लिए भी अगर ये इस तरीके से नहीं रह सकते तो फिर ये कैसे रुकेगा। आज पूरी दुनिया त्रस्त है, इटली हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, बाकी दूसरे देश हो, लेकिन यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों के बाद जो अब अगली तस्वीर आप देखेंगे उसे देखकर आप कहेंगे आखिरकार हो क्या रहा था। ये देखिए किस तरह से टिकटॉक पर ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तारिक फतेह ने ये वीडियो डाला है और इसको मैं दिखाना। कोरोना वायरस हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है, अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एनआरसी और एनपीआर को लेकर भी अब वीडियो बनने लगे हैं कोरोना से जोड़कर, ये रब तय करेगा कि कौन रहेगा कौन जाएगा। तारिक फतेह ने लगातार निशाना साधा है और जबरदस्त कड़वे शब्द कहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला वीडियो सही है, लेकिन बनाने वाले शख्स ने इसे अपने पेज से हटा दिया है, अब हटा दिया है ये वीडियो। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या इन पर केस दर्ज नहीं होने चाहिए। उसके बाद अब आप ये देखिए, कोरोना वायरस तबलीगी जमात मामले पूछताछ करने गई थी बिहार पुलिस, जिस पर हमला हो गया, दौड़ा दिया गया, आखिरकार ये क्या हो रहा है ना। कोरोना संदिग्ध लोगों का सैंपल लेने पहुंची थी टीम, पर हमला हो गया, भगदड़ मच गई, वहां पर उन्हें भागना पड़ा। सवाल आपके सामने है, कहीं नमाज है तो कहीं अफवाहें हैं, कहीं पत्थरबाजी है तो कहीं भगाया जा रहा है, कोई रुकने वाला अभी नहीं है। ऐसे में सरकार अगर कड़ी नहीं हुई तो इस तरीके से कोरोना को अभी भी मजाक में लिया जाता रहेगा। हमारी अपील है इसे कतई भी मजाक में मत लें, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब रब तय करेगा कि किसे जाना है और किसे रहना है, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए। जो क्वारंटाइन में जहां रखे गए हैं लोग जो हैं वो वहां पर भी अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, जहां उन्हें ठीक होने के लिए आया, ऐसे में क्या वो ठीक हो पाएंगे। आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं, जवाब आप भी दीजिए, अपनी राय रखिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।